अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल हैदराबादी टंग्स किचन। आज हम जवारी के आटे का हरीरा बनाएंगे, सूप बनाएंगे। तो इसके लिए कढ़ाई ले ली मैं। कढ़ाई गर्म हो गई, कुकिंग ऑयल डाल देंगे हम। तेल आप अपने हिसाब से लीजिए, कम ज़्यादा जितना आपको चाहिए। तेल हल्का गर्म हो गया। जवारी का आटा 5 स्पून जवारी का आटा ली मैं, 5 स्पून। ये देखिए कुकिंग ऑयल हल्का गर्म हो गया। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 स्पून। ज़्यादा गर्म नहीं हुआ तेल, ही अच्छा भून लेंगे अदरक लहसुन को हम। अब इसके साथ हम हरी मिर्ची डाल देंगे चीर के, स्लिट करी हुई हरी मिर्ची 4 ली मैं। इसको भी अच्छा तल लेंगे हम कुछ सेकंड के लिए। भून लेना अदरक लहसुन और मिर्ची को। अब हम कोथमीर डाल देंगे। कोथमीर धो के काट ली मैं। ये देखिए थोड़ी सी कोथमीर डाल देंगे। इसको भी अच्छा मिला लेंगे हम। इवनिंग स्नैक्स के जैसा सूप पी सकते हैं आप ये। अभी हम आटा डाल के अच्छे से भून लेंगे आटे को भी। दो मिनट तक भून लेना आटे को। नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। अब हम इसमें पानी ऐड करते हुए, हिलाते हुए ऐड करेंगे पानी। एकदम से न ऐड करना, हल्लो हल्लो डालते हुए अच्छे से मिलाते हुए पानी ऐड करना थोड़ा थोड़ा, नहीं तो लम्स बन जाते, पूरा लुंडे लुंडे बन जाते। ये देखिए मैं जिस तरह से हिला रही हूँ उसी तरह से हिलाइए आप भी। बहुत ही सिंपल और टेस्टी सूप बन के रेडी होता है, हरीरा बन के रेडी होता। ये देखिए अच्छे से इसके लम्स, पूरे लम्स नहीं रहना इसमें, इस तरह से मिलाना अच्छे से। ये देखिए और पानी मैं डाल दी इसमें। थिकनेस अपने हिसाब से आप रख लीजिए। बॉईल आने तक पका लेंगे इसको। ये देखिए बॉईल आ गया, अब ये रेडी हो गया। परफेक्ट है इसकी थिकनेस भी। तो ये थी आज की रेसिपी, जवार सूप, जवारी का हरीरा। अगर ये रेसिपी देखने के बाद आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।